दिनांक 17/18/2024 की रात्रि में समय लगभग 1:45 पर थाना सिविल लाइन को सूचना प्राप्त हुई कि एसडी इंटर कॉलेज के सामने एक धर्मेंद्र नामक युवक को गोली लगी है। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचा गया और इसमें जब जानकारी की गई तो ये प्रकाश में आया कि जनपद वाराणसी से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की जो कॉपीज होती है वो जमा कराने के लिए एक टीम जनपद वाराणसी से दिनांक 14 मार्च को चली थी। इसमें दो अध्यापक, दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड में एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल तैनात थे। इसके अलावा ड्राइवर और कंडक्टर थे। ये लोग अलग अलग जनपदों में कॉपियां वितरित करते हुए आज देर शाम जनपद मुजफ्फरनगर पहुँचे थे और यहाँ पर एसडी इंटर कॉलेज में इनको कॉपी जमा करानी थी। यहाँ पर एसडी इंटर कॉलेज का गेट बंद होने की वजह से ये सभी लोग अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करके और विश्राम कर रहे थे। इसमें शामिल एक हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश द्वारा जो धर्मेंद्र नामक व्यक्ति है ये इनके साथ सो रहे थे और इनको ये बार बार सोने से परेशान किया जा रहा था और ये बार बार तंबाकू भी मांग रहा था। साथ में जो लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि ये शराब के नशे में भी था। इसने धर्मेंद्र ने जब इस बात पर आपत्ति जाहिर की तो चंद्र प्रकाश के द्वारा इस पर अपने कार्बाइन से फायर खोल दिया गया जिसमें कई राउंड गोलियां इसको लगी है। इस मृत जो मजरूब है इसको तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर डॉक्टरों की टीम ने इसको मृत घोषित कर दिया जिसके शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। इसके परिजनों के बारे में जानकारी करने पर ये ज्ञात हुआ है कि जो मृतक धर्मेंद्र है ये जनपद चंदौली के रहने वाले हैं और इनके परिजनों को सूचना कर दी गई है। इसके अतिरिक्त फील्ड यूनिट की टीम द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है तथा उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया है और परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।